देखिए कितना ग्लो कर रहा है, काफी कम है ना। देखिए इसके साथ करके दिखाता हूँ, ज्यादा है ये, कम है, समझ गए। ये देखिए ज्यादा है और ये कम है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक तीन तार वाले पंखे के कनेक्शन कैसे करते हैं। कई बार क्या होता है वो कनेक्शन हट जाते हैं या फिर वो भूल जाते हैं, तो उस समय आप एक सीरीज बोर्ड के माध्यम से कैसे चेक करोगे कि कौन सी वायर में कैपेसिटर लगना है, कौन सी वायर में मेन वायर लगनी है। ये सीरीज का बोर्ड है एक, और यहाँ पर ये सॉकेट सीरीज वाला, और ये ऐसे तार टच करते हैं तो हमारा जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो दो टर्मिनल देख रहे हो, देखिए यहाँ पर ये वाले, इनमें क्या है कि मेन वायर कनेक्ट करनी होती है न्यूट्रल और फेस की, तब हमारा पंखा ऐसे चलता है। ये देखिए ऐसे घूमेगा, इसका मतलब हमारा पंखा सही है। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं, काफी बार जो कस्टमर होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि चलो यार इसका कैपेसिटर बदल लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसमें यहाँ से हटा देते हैं पूरी की पूरी वायरिंग। जब कैपेसिटर हटाते हैं तो क्या करते हैं, लाइन टेस्टर से ऐसे ये कनेक्टर होता है, कनेक्टर के अंदर पूरी वायरिंग हटा लेते हैं। तो हम भी ऐसे ही करते हैं और सीखेंगे कि कैपेसिटर कैसे लगाते हैं, सीखेंगे तीन तार का जो पंखा होता है उसमें जो वायरिंग है वो कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी तो देखिए हमें याद है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल बात बताने वाले हैं, ठीक है, यानी कि एक लॉजिकल बात होगी जिससे आपको हमेशा भूलोगे नहीं कभी भी कि आपके पंखे में कौन सी वायर मेन है, कौन सी वायर में कैपेसिटर लगे, कौन सी वायर में आपका कनेक्शन सही से प्रॉपर आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले अलग कर लेते हैं, पूरा का पूरा कनेक्शन अलग कर लेते। तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर तीन तारें आई हुई है, एक लाल है, एक सफेद है और एक नीले रंग की है, ठीक है। तो ये वायर थोड़ी सी हम छील लेते हैं यहाँ से। और अब देखिए यहाँ पर तीन तारें होगी, दो कैपेसिटर की थी, दो कैपेसिटर हमने अलग कर दिया है। अब आप कैसे कनेक्ट करोगे पहले तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक क्या लेना है, यहाँ पर आपको लेना है एक ऐसी वायर ले लीजिए और यहाँ पर इसको आप लगा दीजिए सॉकेट में जो सीरीज का बोर्ड होता है आपका, और ऐसे इसको आप टच कर लीजिए। अब देखिए अब आपको कैसे चेक करना है, पहले तो आप ये चेक कर लीजिए आपका पंखा सही है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे कोई भी दो वायर के ये दो वायर टच करोगे ऐसे, तो देखिए हमारा जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर भी इसमें टच करते हैं तो भी हमारा लैंप ग्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टच कर रहे हैं तो भी हमारा लैंप ग्लो कर रहा है, यानी क्रॉस कनेक्शन आपको चेक करने इस सीरीज की बोर्ड से, सीरीज की दोनों तार से आपको इसे टच करना। लेकिन दोस्तों याद नहीं रहता है कि आप कैसे ये जो कनेक्शन कौन सी वायर के हैं, कहां पर जोड़ेंगे, यानी कैपेसिटर की वायर कहां जोड़ेंगे और मेन वायर कहां जोड़ेंगे, वो दिक्कत रहती है। तरफ देखना आपको, देखिए लैंप कितना ग्लो किया है वो आपको नोटिस करना है, ठीक है। लैंप कितना ग्लो किया है वो आपको नोटिस करना है, देखिए, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां और यहां टच करना है, यानी कि सफेद और नीले रंग की तार में टच करते हैं। तो ये घूम भी सकता है कोई, उसको पकड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर कितना ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये नोटिस करना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वायर में टच करना है। तो अब ये देखिए कितना ग्लो कर रहा है वो नोटिस करना है, ठीक है। कुछ फर्क महसूस हुआ ना, दोबारा करके दिखाता हूँ, देखिए कितना ग्लो कर रहा है नोटिस करना है आपको, और इसमें टच करते हैं कितना ग्लो करना है नोटिस करना है आपको। अब देखिए कितना ग्लो कर रहा है वो नोटिस करना है आपको, कितना ग्लो कर रहा है वो नोटिस करना है आपको, ठीक है, समझ गए। ऐसे आपको सभी तारों में, आपको ऐसे पहले हमने सफेद और नीले रंग की तार को ऐसे कनेक्ट किया है सीरीज में, चेक किया है, तो बल्ब कितना ग्लो कर रहा है, पहले सफेद और नीले में कर लिया, अब सफेद और लाल में करते हैं, ठीक है। मतलब आपको बल्ब को देखना है कि कितना ग्लो कर रहा है, मीडियम कर रहा है, थोड़ा कम मीडियम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, वो आपको नोटिस करना है। देखिए दोबारा देखते हैं, इतना ग्लो कर रहा है, ठीक है, अच्छे से देख लिया। अब हम यहां पर लाल के साथ करते हैं इसको कनेक्ट, मतलब लगभग देखिए लगभग सेम ग्लो कर रहा है, मतलब सेम ही है, जल रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो नीली तार है और ये जो लाल तार है इसके साथ ऐसे टच करते हैं, देखिए कितना ग्लो कर रहा है, काफी कम है ना, देखिए इसके साथ करके दिखाता हूँ, ज्यादा है ये, कम है, समझ गए। ये देखिए ज्यादा है और ये कम है, ध्यान से देखिएगा। बल्ब देखिए, बल्ब कितना ग्लो कर रहा है, कम कर रहा है ना, और यहां पर ज्यादा कर रहा है, यहां पर कम कर रहा है, यानी इन दोनों वायर के साथ जब हम सीरीज की वायर टच कर रहे हैं देखिए, तो हमारा जो बल्ब है वो बिल्कुल ही कम ग्लो कर रहा है, सीधी सी बात है। ऐसे आप चेक करोगे तो आप भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। और इसके साथ टच कर रहे हैं, ये दोनों वायर के साथ टच कर रहे हैं तो फुल ग्लो कर रहा है, और ये दोनों वायर के साथ टच कर रहे हैं तो फुल ग्लो कर रहा है, फुल नहीं कर रहा है लेकिन इससे ज्यादा कर रहा है, देखिए यहां से ये चेक कर रहे हैं तो कम कर रहा है ना, और यहां पर ज्यादा कर रहा है, और इसके साथ कर रहे हैं तो भी ज्यादा कर रहा है। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि जहां जिन दो तारों को टच करने के बाद आपका बल्ब कम ग्लो करता है, ये देखिए बिल्कुल ही बारीक एक वायर है ग्लो कर रही है, और यहां पर कर रहे हैं तो वायर यानी बल्ब हमारा लगभग आधा ग्लो कर रहा है, समझ गए। तो कहने का ये मतलब ये है कि जहां पर आपका बल्ब कम ग्लो करे उसके अलावा जो तार है एक, इन दोनों के टच कर रहे हैं तो जो एक तार बच गई, दूसरी जो एक और तार है जिसके हमने ये जो वायर नहीं टच की है वो वायर मैन होती है, समझ गए। देखिए बिल्कुल कम जल रहा है, यहां पर तेज जल रहा है देखिए, और यहां पर भी तेज जल रहा है, ठीक है। तो आप कहने का मतलब यह है कि जब आप हमने इसको टच किया है ये सीरीज वाली वायर, तो बल्ब हमारा बिल्कुल मीडियम चल रहा है, देखिए यहां पर मीडियम चल रहा है, तो इसका मतलब आपको मेन इसमें बनानी, यानी कि न्यूट्रल या फेस एक वायर इसमें कनेक्ट आपको करनी है, ठीक है। अब आपको कनेक्शन करके दिखाता हूं दोबारा से, फिर आप कहोगे कि ये जो तरीका है ये बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हो गया हमारा, कैपेसिटर ले लेना है, कैपेसिटर को इस कनेक्टर में डालना है। अब देखिए
इन दोनों वायर के जब हमने सीरीज की वायर टच की थी तो मीडियम ग्लो कर रहा है, तो इन दोनों तारों में हमें क्या लगाना है, ये कैपेसिटर की तार, दोनों तार लगानी है। आप इसमें कोई भी दोनों तार लगा सकते हो। इस सफेद तार को एक बार साइड में रख देते हैं, यहां पर ये दोनों वायर ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोबारा से सीरीज बोर्ड का जो है वो सीरीज बोर्ड की मदद लेनी है, ठीक है। कैपेसिटर है तो एक वायर यहाँ कनेक्ट करनी है और दूसरी वायर आपको कनेक्ट करनी है इन दोनों में से किसी में भी। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं तो पंखा इधर घूम रहा है और यहाँ पर कर रहे हैं तो पंखा इधर घुमा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नीचे रखा रखा पंखा अगर आपका ऐसे चल रहा है तो उसी में आपको दोनों वायर आपकी न्यूट्रल और फेज की कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से देखिए, यहाँ इसमें टच कर रहे हैं नीली तार के साथ, देखिए पंखा हमारा ऐसे घूम रहा है और जब हम इसमें कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल और फेस, मेन वायर इसमें जोड़ेंगे दोनों में, तो हमारा पंखा बिल्कुल सही चलेगा, सही स्पीड में चलेगा। तो चलिए इसकी कनेक्शन आपको करके दिखा देता हूं दोबारा, फाइनल कनेक्शन। सबसे पहले आप क्या करें, ये जो वायर है इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, कहीं पर भी कनेक्ट कर दीजिए जहां पर आप इसको लगाना चाहते हैं कनेक्टर में। देखिए ये कनेक्टर रहता है, कनेक्टर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तीन टर्मिनल होते हैं, इनमें से आप यहाँ पर ये लगा दीजिए व्हाइट रंग वाली, व्हाइट कलर वाली तार। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर इस नीली तार के हमने जब टच किया था तो हमारा पंखा सही चला था, ठीक है। तो इस नीली तार को सबसे ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में हमें पावर सप्लाई देंगे, मेन पावर सप्लाई न्यूट्रल और फेस की। और अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो वायर है, एक और वायर है जो लाल रंग की वायर है, लाल रंग की तार है, इसको हम यहाँ पर इसमें सेंटर में लगा देते हैं, ठीक है। और अब हम जो मेन वायरिंग है वो यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर देते हैं, जो आगे के दो टर्मिनल हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाले, इसमें हम मेन वायर लगा के आपको दिखा देते हैं। तो ठीक है, हो गया। अभी हम इसको ऊंचा उठा लेते हैं और आपको चला के दिखा देते हैं। ये देखिए पंखा बिल्कुल सही चल रहा है दोस्तों, आपका सीरीज बोर्ड में हमने चलाया है, सीरीज सॉकेट में चलाया है, अब देखिए मैन में चला रहे हैं, बिल्कुल सही से चल रहा है, देखिए ठीक है। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हो तीन तार वाले पंखे के,